साइन जो कि दो वेक्टर इक्वल हो गए जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तो यहाँ तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक ही डायरेक्शन बदल दीजिए, इसकी बदल में चाहे इसकी बदल में, तो एक के साथ माइनस लगा देंगे, जिसके साथ माइनस लगाएंगे उसके डायरेक्शन जो थी वो उसकी खुद की डायरेक्शन तो वही रहेगी जो थी, लेकिन माइनस लगाने से वो उल्टी डायरेक्शन पड़ी जाएगी, पढ़ने में वो उल्टी हो जाएगी, अगर ईस्ट तो पढ़ने में क्या पड़ जाएगी वो वेस्ट पड़ी जाएगी, वेस्ट ही तो क्या पड़ी जाएगी वो माइनस लगाने के बाद ईस्ट, फिर उसने इनकी वैल्यू पुट कर दी, फिर सीधा मैथमेटिकल मैथमेटिक्स कैंसिल हो गया, फिर हमने ब्रैकेट खोल दिया, यू वाली डी वाली जो वैल्यूज थी फाइनल वेलोसिटी वाली फाइनल मोमेंटम वाली वो एक तरफ देगा, इनिशियल मोमेंटम एक तरफ देगा, तो आपको फाइनल कंक्लूजन आ जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए बी बी प्लस एम बी बी बी, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल। I hope so. You may have understood it. अरे देखो डेरिवेशन जो है ना वो रटने से याद नहीं होते, तुम्हें पॉइंट्स ही याद रखने पड़ते हैं, अगर वो पॉइंट्स याद हैं तो आप डेरिवेशन घर जाके एक मिनट में लिख लेंगे। पहला पॉइंट सपोजिशन, जो लफ्ज़ जो वर्ड लेट है सपोज है वो ज़्यादा ज़्यादा ना है, एक बार एक सपोजिशन में इनिशियल आ गया दूसरे सपोजिशन में फाइनल, फिर उसमें पहला पॉइंट सपोजिशन। दूसरा पॉइंट क्या है, फोर्सेस निकालना कौन से लॉ से, सेकंड लॉ को यूज करके फोर्सेस निकालनी है एफ ए और एफ बी, इनकी मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी है सिंबॉलिक फॉर्म में। फिर तीसरा लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उनको लॉ लिख कर फिर आप जो है एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी लिखते या एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए लिखते, बाकी एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्यों साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो आपने सपोज किया सिंबॉलिकली सपोज किया तो मैग्नीट्यूड तो ठीक है आपने इक्वल लिख कह दिया, लेकिन डायरेक्शन तो आपकी अंडरस्टूड अपोजिट लॉ है, तो डायरेक्शन जब ही सेम होती है जब किसी आपको डायरेक्शन अपोजिट करनी हो तो आप उसके साथ माइनस साइन लगा दें, तो अब वो डायरेक्शन जो है ना उसके अंदर डायरेक्शन इंक्लूड है, डायरेक्शन लिखी हुई है उसमें इंक्लूड है, तो अब वो अपोजिट डायरेक्शन ली जाएगी, यानी जो जैसे ईस्ट की डायरेक्शन की अपोजिट लगा दी माइनस लगा दी तो अब वो डायरेक्शन क्या ली जाएगी प्लस, सॉरी वेस्ट, पहले वाली पहली वेस्ट की, तो मैग्नीट्यूड भी वेस्ट का हो गया और क्या नाम है डायरेक्शन भी वेस्ट हो गई, दोनों इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज वी नो के प्लस फाइव माइनस फाइव के बराबर नहीं हो सकता, एक का साइन बदलना पड़ेगा, ये तो प्लस फाइव के बाद माइनस लगाओ पहले ताकि वो भी माइनस हो जाए, या माइनस वाले इसके नंबर के साथ पहले माइनस लगाओ ताकि वो प्लस हो जाए, तो ये ध्यान रखना कि एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी या एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ए, वो लिखो उनकी वैल्यू पुट कर दो, बस खत्म हो गया। वैल्यू पुट करने के बाद इनिशियल मोमेंटम जो है वो एक तरफ ले आओ, यू से इंडिकेट हो रहा है और फाइनल मोमेंटम, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम बी एम ए बी बी ए प्लस एम बी बी बी, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल। अब जैसे न्यूमेरिकल है वो भी इस तरह होगी, किताब में भी मिलेगी। अब देखिए न्यूमेरिकल हम पहले बुक के करते हैं, अब जरा इन न्यूमेरिकल की पहचान क्या है, जब ये न्यूमेरिकल जो है इससे फॉर्मूले से होंगे क्या नाम कौन से उससे होंगे, ये लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन वाले न्यूमेरिकल जो है ये इसकी क्या पहचान है, अच्छा इससे इसके अलावा एक पिक्चर होगी पावर, क्या पावर, पावर का यूनिट ऐसा यूनिट वॉट है, ये दो भी पहले ले लो न्यूमेरिकल करने से पहले हार्डली एक मिनट लगेगा, मैं नहीं डिफाइन करूंगा, यू हैव टू डिफाइन, इसको मैं लर्न कर दिया।
तो पहले कई चीजें रहेंगी जिसमें हमने ध्यान लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की रहेगी, ठीक है। इससे पहले हमारे एक हम बात लेंगे इसी चैप्टर में, नहीं था ये एनर्जी वाला चैप्टर अलग है, हम गलत उतार रहे तो अलग चैप्टर में पहुँच गए, गलत चैप्टर का अलग पावर इसके बाद वाले चैप्टर में। इस चैप्टर में और क्या है, तो इसके आगे तक या सातवां चैप्टर तो हम नवे चैप्टर में पहुंच गए। क्या नहीं, ये इसमें नाइन्थ है, मेरे पास जो पॉइंट बुक थी उसमें सेवन चैप्टर थे, नाइन चैप्टर है, ठीक है। हम ग्यारहवीं में पहुंच गए, पावर वाला है ना ग्यारहवीं चैप्टर के बाद। अच्छा तब हम सवाल शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल, ओके। देखिए पहला न्यूमेरिकल बुक का है, बुक में दिया हुआ आपको ये कार्रवाई हम अपने ढंग से करेंगे अपनी समझ के साथ। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity of 1 meter, 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is recoil velocity of the pistol? ये सवाल है कि 20 ग्राम का बुलेट था जिसको हमने फायर करा, तो जो जब भी किसी बुलेट गन से फायर करते ये रूल है, तो एक्शन और रिएक्शन और ऑलवेज रिक्वायर इन अपोजिट। तो जब गन बुलेट पे फोर्स लगाएगी तो रूल के हिसाब से बुलेट गन पे फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब बुलेट आगे को जा रहा है और गन किस डायरेक्शन में जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट पीछे को, तो उसको रिकॉइल बोलते हैं। जो गन पीछे को जो गन पे जो फोर्स लगती है जिसके वजह से पीछे जाती है उसे रिकॉइल बोलते हैं। तो उसकी क्या स्पीड है, रिकॉइल वेलोसिटी क्या है, ये बात समझ में आ गई। तो इसको हम क्या नाम है करेंगे मोमेंटम के फॉर्मूले से। अभी मोमेंटम मेथड कब लगाना है कि जब भी दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करें तो आप समझ लो कि इसमें 90% मोमेंटम का यूज हो रहा है। सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो आपका सेकंड लॉ लगता या थर्ड लॉ लगता, लेकिन दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है कि 90% ये फॉर्म। हालांकि इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं लेकिन आपके लिए हमें सिंगल वो होना चाहिए क्लियर कि भाई इंटर एक्ट कर रहा है इसका मतलब मोमेंटम वाला लॉ अप्लाई हो रहा है। और मोमेंटम लॉ क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, कोलिजन की जगह इंटरेक्शन कह दो। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व हो तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हम इस सवाल को कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, जिनमें सवाल भी कैसे दे रखा है, बुलेट का मास, मास ऑफ बुलेट कितना दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ गन कितना दे रखा है देखो बताओ मुझे पढ़ के, 2 kg है। और वेलोसिटी ऑफ क्या नाम है बुलेट कितनी दे रखी है, 20 ग्राम में 150 meter per second। तो भाई आप इधर मास ग्राम में यूज कर रहे हैं, उधर भी ग्राम में हो या इधर किलोग्राम में, उधर भी किलोग्राम, क्यों, क्योंकि यूनिट कैंसिल हो जाते हैं, फाइनल यूनिट उसी का बचता है जो हम निकाल रहे हैं। और अगर यूनिट सेम नहीं होंगे तो कैंसिल, ये ग्राम को किलोग्राम से कैंसिल नहीं कर सकते आप, ग्राम को ग्राम से कैंसिल करेंगे,
आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आप ये इसलिए लिखा ताकि आपका कन्वर्जन आसान हो जाए। तो ये तो ग्राम रहने दीजिए आसान है, इसको भी हम ग्राम में बदल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 2000 ग्राम। ये बात समझ में आई क्यों ग्राम में? सब जब इक्वेशन बना के सवाल सॉल्व करते हैं तो अगर एक चीज मास है वो एक साइड पे दे रखी है और मास वाली वैल्यू दूसरी साइड पे है तो मास का जो यूनिट है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो वो जब ही कैंसिल होगा जब दोनों के यूनिट क्या हो? सेम हो, बराबर नहीं, सेम हो। ग्राम में तो वो भी ग्राम हो। स्पीड का यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड है। इस चीज क्लियर हो गई कि ब्लड की स्पीड मीटर पर सेकंड में थी तो गन की स्पीड भी जो हम निकाल रहे हैं वो भी उसी यूनिट में निकली। यानी गन की स्पीड क्या होगी? जो भी आंसर आएगा वो भी मीटर पर सेकंड में आएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम इनिशियल टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड गन क्या होगा बताइए? क्या फॉर्मूला है इनिशियल मोमेंटम का? फॉर्मूला लिखो m1u1 + m2u2। अगर m1 की जगह आप चाहो तो b लिखो बुलेट, और 2 की जगह क्या लिखो? जी स्मॉल जी। ठीक है, क्या होगा ये m मास ऑफ ब्लड कितना है? 20 × 0 का क्या जो आपने गुफा में दोनों वेलोसिटी आई है इंटरेक्शन के बाद, इंटरेक्शन से पहले कोई वेलोसिटी नहीं थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लस 2000 × 0 क्यों? ब्लड भी गन भी रुकी हुई है तो टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? जीरो, टोटल इनिशियल मोमेंटम। आप अलग अलग निकाल दो तो टाइम लगता, इनिशियल मोमेंटम ब्लड निकालो फिर इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन निकालो फिर दोनों को ऐड करो टोटल मोमेंटम लिखो फिर टाइम लगता। अब आप नाइन में पढ़ते हैं क्योंकि जारी है। अब हम लिखेंगे क्या? टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ किसका? ऑफ ब्लड एंड गन। क्या होगा जी? m1 भी कर लिया हमने, m v इनटू v इनटू u टू v v1 प्लस m g इनटू v टू। एक की वेलोसिटी v1 ले रहा है, दूसरी की v2। कहीं से भी कंफ्यूजन हो रहा है तो m g और v g लिखो, v g फॉर गन। अब m b कितना है? 20। वो बी भी कितना है? 150। तो बुलेट की जो वेल ऑफ फाइनल प्रॉफिट 150 है। ठीक है, एम जी कितना है? गन का मास 2000, गन की वेलोसिटी इसको बी टू की जगह बी जी कर दो, ज्यादा बेटर है जो वहां पर हमने बी जी लिखा है। इसको बी बी कर दो, इसको यू बी कर दो और यू जी कर दो, ज्यादा बेटर देखो क्या जाएगा यहाँ पे बी जी क्या हमें निकाल दिए क्या हो जाएगा ये फाइनल कैलकुलेशन करेंगे 3000 + 2000 = 5000 कर दो, कर सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये अलग नंबर है, वेरिएबल अलग है, इसका अलग है। ये जैसे 2a और 3b को हम ऐड करके 5ab भी कर सकते हैं, ये आर डिफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लॉ लिखेंगे, लॉ लिखना जरूरी है क्योंकि लॉ का एक नंबर होता है, तो बोर्ड के एग्जाम में सवाल करेंगे तो जिस लॉ के बेसिस पर आप ये सवाल कर रहे हैं उसका लिखने का ही एक नंबर है। कौन सा लॉ लग रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है वो लॉ? टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल, ये लिख दीजिए, ये लिख के फिर वैल्यू पुट करेंगे
जब फाइनल कर ली तो इनिशियल बात पे लिख एक ही बात है, तो फाइनल क्या है 3000 + 2000 VG और इनिशियल मोमेंटम कितना है जीरो। इनिशियल मोमेंटम जीरो कि आपने यहां से वैल्यू निकाल दी, क्या हो जाएगा VG डायरेक्ट निकाल दे तो -3000 अपॉन 2000। समझ में आया कैसे हुआ भाई? मैथ तो रूल आता है, इसको एक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, हम इसको कैसे लिखेंगे 2000 VG = -3000 तो VG निकालेंगे जब हम VG निकालेंगे तो ये 2000 मल्टीप्लाई में काफी रह गई डिवाइड में। ओके तो क्या हो जाएगा जीरो से जीरो कट, क्या है -1.5 अब यूनिट लिखेंगे, क्या यूनिट लिखेंगे जो चीज निकालते हैं उसका उसी टाइप की जीवी जिसका जो यूनिट हमने पहले उसमें यूज किया है वो यूनिट से भी निकली हो, तो जो हम ऐसा यूनिट में कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसा यूनिट लिख देंगे, क्या आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, बुलेट जा रही है 200 150 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से और गन जो पीछे रिकॉल हो रही है वो 1.5 डायरेक्शन में इज माइनस, माइनस क्या इंडिकेट करता है डायरेक्शन माइनस एन इंडिकेट गन विल रिक्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, गन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दिस इंडिकेट माइनस साइन, क्योंकि हम ब्लड के साइन को प्लस मान रहे हैं तो ऑटोमेटिकली गन का साइन माइनस हो जाएगा। आपको समझ में आ गई कैसे करना आपने सवाल, जब दो चीजें इंटरेक्ट हो रही ब्लड और गन तो जब भी दो चीजें इंटरेक्ट हो 90% केस में आपकी दिमाग में सोचो कि ये शायद लॉ ऑफ एक्सेलरेशन मोमेंटम पे बेस करता है, उसका रूल सीधा था इनिशियल मोमेंटम निकालो और क्या निकालो फाइनल मोमेंटम, तो हमने ये वैल्यूज लिखनी जरूरी है अलग से, ये क्यों लिखनी जरूरी है ताकि अगर कोई यूनिट कन्वर्जन है तो वो यहां करना आसान है, मिक्स करके आप फॉर्मूले में जब लिखते हैं वैल्यू तो वहां पे आप यूनिट यूनिट कन्वर्जन भूल भी सकते हैं और ये भी हो सकता है गलती हो जाए, जैसे मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के सवाल कराए थे UVAST ये पहले लिख लो, क्यों कराए थे मैंने ये ताकि अगर कोई कन्वर्जन करना है तो वो इस स्टेट पर हो, अगर स्पीड जैसे यू की भी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है और आपको मीटर पर सेकंड में बदलनी है तो वहां बदलना आसान है क्योंकि एक ही चीज है वैल्यू इक्वल टू करके बदल दी। अंडरस्टैंडिंग टाइम है मिनट्स में दे रखा है, आप उसको ऐसा ही यूनिट यूज करना चाहते हो सेकंड में बदलने वहां बदलना आसान है, फॉर्मूले में लिखने के बाद जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे तो उसमें गलती नहीं, उसमें गलत नहीं होगा वो कर सकते हैं लेकिन फिर आपसे गलती होने के चांस है कि वो मिक्स हो गया था। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, इसलिए आपने ये भी पहले लिख लिया। ओके अगला सवाल पढ़े सर, एक चीज पूछनी थी सर, बगैर इनिशियल वेलोसिटी के इंटरैक्शन कैसे हुए? क्या बगैर इनिशियल वेलोसिटी के इंटरैक्शन कैसे? इंटरैक्शन इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं, इनिशियल वेलोसिटी है क्या जीरो है, वैल्यू में बचाओ इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, आप इसको इस तरह से समझो एक दोनों में मूव करना जरूरी है, जब आप भागते हुए जाकर दीवार से टकरा रहे तो इंटरेक्शन हो गया आपकी वेलोसिटी काउंट होगी दीवार की जीरो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, अब ईंटों की दीवार की ईंटें एक दूसरे पर वैसे रखी हुई और ईंटें फिर मूव करेंगी तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये मतलब नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ना, अगर वो रुका है तो इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे वो क्या मानेंगे जीरो मानेंगे, जैसे आप भागते हुए जा रहे हैं और आप दीवार से टकरा रहे तो यहां पर इंटरेक्शन हुआ आपका और दीवार का, आपकी तो वेलोसिटी है तो दीवार की जो आप वेलोसिटी क्या लेंगे आप दीवार क्या थी खड़ी हुई थी ना उसकी वेलोसिटी आप हो गई आपकी दीवार की वेलोसिटी नहीं है इसलिए इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, आप दीवार पे टकरा रहे हैं चोट लग रही है सर फट रहा है इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, इंटरेक्शन हुआ अगर इंटरेक्शन हुआ तो दोनों की वेलोसिटी होगी आपकी पॉजिटिव वेलोसिटी है
और सम वैल्यू है उसकी, नॉन जीरो वैल्यू है। दीवार की जो है उसकी भी वेलोसिटी है लेकिन वो जीरो है, कोई नहीं मानेंगे। दोनों की जीरो होगी तब भी वो इंटरेक्शन जीरो जीरो के साथ एक दूसरे के साथ रखे में वो ऐसे तो बुलेट जो पहले जीरो वेलोसिटी पे था उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, वो फाइनल वेलोसिटी होगी। बात समझ में आया? उसके टकराने से पहले गन किस वेलोसिटी पे थी? जीरो थी। लेकिन जब वो बुलेट को टकराया तो जो अंदर जो क्या था स्प्रिंग था वो जाके बुलेट से टकराया तो उस बुलेट ने उसको बुलेट उससे टकराएगा, वो गन का हिस्सा है, वो जो स्प्रिंग है वो गन का हिस्सा है। तो रिएक्शन जो होगी वो बुलेट की कुछ स्प्रिंग पे होगी और स्प्रिंग गन का हिस्सा है यानी पूरे गन पे होगी। इंटरनल फोर्स लग रही है तो नहीं, इंटरनल नहीं, आप ये बुलेट है, मान लीजिए आपका बुलेट है, आप यहाँ से आगे टकराएंगे तो इंटरनल फोर्स हो गया, बुलेट के अंदर हो गया, यहाँ से आगे फोर्स तो गन के अंदर से लगा है। गन का वो हिस्सा जो आपके ये मान लो स्प्रिंग है, मिसाल के तौर पे ये स्प्रिंग आगे यहाँ टकराया तो ये जो स्प्रिंग का हिस्सा है ये इससे टकराएगा, स्प्रिंग एक्सटर्नल फोर्स है और ये इससे टकराएगा तो ये स्प्रिंग को ऊपर फोर्स लग रही है, तो स्प्रिंग की इंटरनल फोर्स नहीं है, स्प्रिंग की इंटरनल फोर्स का होती है उसके अंदर आप घुसे वो समझ में आएंगे। और ये स्प्रिंग जो है ये बुलेट का हिस्सा है, उसका गन का हिस्सा है, ये गन से जुड़ा हुआ है, तो जब स्प्रिंग पे फोर्स लगेगी तो गन पे भी साथ में, और ये फोर्स किधर से लग रही है? यहाँ से लग रही है, ये स्प्रिंग है मान लो, और ये स्प्रिंग गन का हिस्सा है, जब इस पर फोर्स लगेगी और ये गन से जुड़ा हुआ है तो ये गन की इंटरनल फोर्स मानेंगे हम, क्या होगी? ये बन की दीवार है, ये इससे टकरा रहा है तो इंटरनल फोर्स होगी। जैसे आप बस के अंदर बैठेंगे, बस की उसको खिड़की को जोर लगाएंगे तो आपके बस के हिसाब से इंटरनल फोर्स है लेकिन खिड़की के हिसाब से वो इंटरनल नहीं है, तो आप खिड़की के अंदर नहीं, आप खिड़की के बाहर है, जब ज्यादा फोर्स लगेगा तो खिड़की बाहर निकल आएगी। अच्छी बात है, दिमाग में क्लियर होने चाहिए, जब ये पॉइंट जब ले जाते हैं दिमाग में तो कंफ्यूजन फिर आगे दस वो रास्ते पैदा होते हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया आपकी? अब आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। सर मुझे ये बता दीजिए एक बार, क्या बताऊं सर? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम क्या, कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है, आप करो जो बताओ पूरी, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बट व्हाट्स की फॉर्म, सॉरी फॉर्मूले की फॉर्म। जो लॉ था स्टेटमेंट दे दिया, अब उनकी वैल्यूज मैंने अलग अलग निकाल रखी है, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू मैंने निकाल रखी है जो जीरो है, क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, तो इनिशियल वेलोसिटी से जब स्टार्टिंग वेलोसिटी जीरो है तो उससे जो मोमेंटम निकलेगा वो इनिशियल मोमेंटम ही निकलेगा। जैसे दीवार खड़ी हुई है, दीवार चल नहीं रही, यहाँ पे ये टेबल है, ये खड़ी हुई है, अब इस टेबल, ये टेबल मेरा हाथ इससे आगे लगा हुआ है इससे, तो टेबल की वेलोसिटी जीरो है, ठीक है? जब कुछ चीज आगे टकराती है तो इसमें फाइनल वेलोसिटी आती है, लेकिन जब वो तो फाइनल थी, टकराने से पहले कौन सी वेलोसिटी थी, क्या थी वो? जीरो की। यानी कि गन और बुलेट में भी यही है, टकराने से पहले दोनों रुके हुए तो वेलोसिटी जीरो मानी, मास तो है दोनों में लेकिन वेलोसिटी जीरो है दोनों, तो वो इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला, दोनों का अलग अलग निकालने की जगह हमने एक साथ निकाल लिया, फिर हमने फाइनल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी से निकलता है, फाइनल वेलोसिटी दोनों में थी, गन में भी थी और दोनों का हमने एक साथ निकाल लिया, और टोटल मोमेंटम निकालने के दोनों को ऐड करना है, तो हमने दोनों को क्या करा, ऐड भी कर दिया। सर ये जो यहाँ पे लिखा है 3000 प्लस 2000, 3000 तो बुलेट का था सर, ऊपर जीरो के सामने जो आपने लिखा है 3000 प्लस यहाँ पे सर, नहीं
देखिए मोमेंटम के नीचे जो है यहाँ पे लिखा है ना, ये हाँ ये लिखा है ना, ये था टोटल फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम की वैल्यू थी और इनिशियल मोमेंटम ये था आपका जीरो। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इस वैल्यू के अगर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक नंबर उधर जाएगा, यही तो होगा ना मैथ्स का रूल है कि 2000 bg इज इक्वल टू माइनस 3000, यही होगा ना। तो bg कितना होगा, डिवाइड में जाएगा या मल्टीप्लाई में जाएगा, या डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो bg इज इक्वल टू 3000 अपॉन 2000 माइनस। इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इंडिकेट माइनस है। आपकी समझ में आ गया, इससे ही सवाल समझ में आसानी से हो जाएंगे। आप अगले मोड पर जी वैसे सर एक चीज पूछनी थी, जैसे अगर हमने बुलेट पे अगर हमने एक्शन डाला, जैसे स्प्रिंग बुलेट के ऊपर फोर्स डाला तो एक तरह से एक्शन है, और अगर वो एक्शन डाल तो उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो बुलेट इक्वल एंड अपोजिट, बात समझ में नहीं आई। अच्छा अब सुन लो, जो तुमने बात पूछी वही बात में समझिए। देखो ये आपका नंबर है एम वन, ए और बी नंबर है और एक नंबर है पी एन, ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ए ए के कॉरेस्पॉन्डिंग है बी बी के, इसकी वैल्यू 500 है और बी की वैल्यू 400 है, टोटल कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया कितना हो गया 20,000। अब ये भी 20 है, दोनों ही बराबर सा है, ये भी 20,000 होने चाहिए। अगर एक बार दोनों इक्वल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अब ये 20,000 ये ऑलरेडी इसी वैल्यू में हो सकता है आपका जो ये हो, ये बी जो है ये 10 हो, 10,000 तो एक कितना होगा, 20 बना रहे ना तो एक कितना होगा, एक टू होगा खाली, एक दोनों का प्रोडक्ट सेम है। इधर आपको कौन सा उसमें बताई थी बात, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बताई थी, बताई थी ना मैंने, मैंने आपको बॉल का बताया था, केस क्या था फोर्स का, कि जो फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर था, वो एक फिक्स वैल्यू के बराबर है, क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम वो फिक्स है, मान लो उसकी वैल्यू 500 है, तो अगर फोर्स अब हमें 500 लाना आंसर, अगर फोर्स 50 होगी तो टी 10 होगा, अगर फोर्स 100 होगी तो टी 500, ये 100 हो गई तो ये 5 रह जाएगी, ये 500 हो गई तो ये 1 होगा। तो अब जो आप कह रहे हैं कि बुलेट और गन की वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है, कि गन का मास बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट दोनों का जो है वो सेम आएगा, मोमेंटम सेम आएगा, लेकिन मोमेंटम तो सेम है लेकिन गन का मास बहुत ज्यादा है इसलिए उसकी वेलोसिटी, अगर मास भी ज्यादा हो वेलोसिटी भी ज्यादा हो तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मोमेंटम सेम है गन का भी और बुलेट का भी, समझ में आ गई बात नहीं आ गई। तो अगर बुलेट की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड है तो गन की स्पीड 150 मीटर पर सेकंड नहीं आएगी, जो उसका मास ज्यादा है, और मास ज्यादा होने से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट दोनों का सेम होगा। बात समझ में आई नहीं आएगी, प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा, क्योंकि एक अगर दो चीजों का प्रोडक्ट एक फिक्स नंबर है तो अगर एक वैल्यू बढ़ जाएगी दूसरी की वैल्यू घट जाएगी, रूल है अगर फिक्स वैल्यू प्रोडक्ट है। आपको 100 आंसर लाना है ए और बी, अब ए की वैल्यू 100 है तो बी की 1 हो जाएगी, अगर ए की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, क्योंकि आपको फिक्स आंसर चाहिए, वही आंसर चाहिए, तो ऑटोमेटिकली एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो व्हाई द वेलोसिटी ऑफ गन इज लेस वेरी लेस, बिकॉज द मास ऑफ द गन इज वेरी
आई, इसमें उसकी वेलोसिटी कम होगी। ये बात समझ में आई ना? क्या इसी को एक्शन और रिएक्शन से भी कर सकते हैं कि जो एक्शन था वो जितना प्रोडक्ट था मास और वेलोसिटी का, वही प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का गन का भी होगा, लेकिन मास गन का मास कम है जिसमें वेलोसिटी ज्यादा है, और बुलेट का मास ज्यादा है, सॉरी गन का मास कम है तो वेलोसिटी, गन का मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है, बुलेट का मास कम है इसलिए वेलोसिटी। यही आंसर आपका उसमें भी कि रॉकेट जब फायर करते हैं तो रॉकेट ऊपर को जाता है बहुत तेज स्पीड से और इनसे रिएक्शन में फोर्स किधर लग रही है, अर्थ के ऊपर, अर्थ तो इतनी स्पीड से नीचे नहीं जा रहा, क्यों? जो कि रॉकेट का मास कम है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा है, प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा, और अर्थ की मास ज्यादा इसलिए वेलोसिटी कम होती है, अर्थ हल्की है लेकिन उस स्पीड से नहीं थी, इस स्पीड से रॉकेट इधर। ये बात समझ में आ गई? अब आएगा हमारा सवाल यही है बुक का, अ गर्ल ऑफ मास 40 केजी जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इनटू अ बीम, द मास ऑफ द कार्ट इज 3 केजी, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। यानी जब इंटरेक्शन हो रहा है, लड़की है वो दौड़ती भी जब वो जंप करती है उसके ऊपर क्या होगी, ये मुझे भूल जाता हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, गर्ल और कार्ट का इंटरेक्शन हो रहा है, मास ऑफ द गर्ल कितना है, 40 किलो, कितना है 40 kg, मास ऑफ कार्ट मुझे जो उसका वो है जिसमें उसको कूदना है वो कितना है, 3 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गर्ल वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड बिफोर कोलिजन, बिफोर दे कोलाइड इंटरेक्शन से पहले लड़की की वेलोसिटी कितनी, कार्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, UC, क्यों, जो कार्ट रुकी है, ओके अच्छा। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल प्लस कार्ट ये कितनी होगी मिलाकर, क्योंकि दोनों एक बन गए, दोनों एक बन गए, अब क्या आएगा आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ गर्ल एंड कार्ट, क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला क्या होगा, mg इंटू ug प्लस mc इंटू bc वेलोसिटी ऑफ द कार, uc सॉरी इंटू uc, mg कितना है 40 × 3, और वो कितना है कार्ड का मास कितना है, 3 kg 3 × 0 टोटल कितना आ गया 120, 3 × 0 को 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 120, ये इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही बॉडी बन गए, अलग अलग नहीं जा रहे, दोनों का मास सेम देंगे क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, mg प्लस mc इंटू v इंटू v, फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ओके। एनजी कितना है, मास ऑफ द गर्ल कितना है 40 और मास ऑफ द कार कितना है 3 इंटू वी, ये हमें मतलब नहीं निकाल दोनों में छात्र ले लिया हमने,
अगर लड़की अलग मूव करती, कार्ड अलग मूव करता, दोनों को अलग अलग लिखते, फिर हमें लिखना पड़ता एम जी इंटू वी वी जी प्लस एम सी इंटू वी सी। लेकिन चूंकि दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का मास पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, दोनों का मास इकट्ठा ले लिया। वेलोसिटी जो कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं वो भी एक ही। बात समझ में आ गई है? दोनों की वेलोसिटी जो कि दोनों एक साथ एक के ऊपर एक है, कार्ड के ऊपर गर्ल आ गई, तो जिस स्पीड से कार्ड मूव कर रही है उसी स्पीड से गर्ल भी मूव कर रही है। तो ये कितना हो जाएगी? 43 बी। ओके, अब वही का लॉ लगेगा, क्या लिखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल, ये लिखना जरूरी है, इसका एक नंबर होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा आपका? 43 बी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम कितना है आपका? 120। तो बी कितना हो जाएगा? 120 अपॉन मीटर पर सेकंड। मेरा फाइनल में यूनिट लिख दिया, क्योंकि जो लड़की की जो वेलोसिटी हमने मीटर पर सेकंड में ली है तो फाइनल वेलोसिटी की उसी यूनिट में ली है। अगर ये सेंटीमीटर पर सेकंड होती तो वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड में जा सकता। आगे समझे? ठीक है, क्या बोले? कुछ कर रहा हूँ गलती से वैल्यू भी होती, पांच की जगह तीन लिख दीजिए, क्लियर होगी? इसके बाद इसके दो तीन सवाल हो रहे हैं, आप ट्राई कीजिएगा। इसके जो न्यूमेरिकल्स है बुक के अंदर,